हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा यूपीएससी सीडीएस कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विस एग्ज़ाम के बारे में। 2019 के इसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसके सब डिटेल्स मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते, कौन कौन लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते, सब कुछ। तो दोस्तों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी इशू आर नोटिफिकेशन फॉर कंडक्टिंग द सीडीएससी 2019। इफ़ यू आर एलिजिबल कैंडिडेट देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस सीडीएस आई एग्जाम इन ऑनलाइन मोड टिल 26 नवंबर 2018। तो दोस्तों, यहाँ पे 26 2018 तक आपका जो लास्ट डेट है यहाँ पे अप्लाई करने का, ऑनलाइन अप्लाई करने का। इसके साथ साथ मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका कौन कौन लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो डिपार्टमेंट जो है यूपीएससी पोस्ट है कमिश्नर ऑफिसर, टोटल पोस्ट है 417 पोस्ट। एलिजिबिलिटी जो है ग्रेजुएशन डिग्री, तो दोस्तों यहाँ पे ग्रेजुएशन पास आपको होना पड़ेगा। तो अब अगर आप बीए, बीएससी और बीकॉम में आप कंप्लीट कर चुके, आप ग्रेजुएट है, तो आप अप्लाई कर सकते। एग्जामिन फीस जो यहाँ पे आपको लगेगा 200 रुपीज़ फॉर जनरल एंड ओबीसी वालों के लिए। और लोकेशन रहेगा आपका जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया में। लास्ट डेट है इसका 26 नवंबर 2018 एंड एग्जाम डेट है 3 फरवरी 2019। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 22-24 ईयर्स तक आपका जो एज लिमिट रहेगा। इसका ऑफिशियल जो वेबसाइट है upscionline.nic.in, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके इसका अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, पोस्ट जो है यहाँ पे कमिश्नर ऑफिसर फर्स्ट है इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून 100 पोस्ट, इंडियन नोवल एकेडमी इछियामाला 45 पोस्ट, एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद 32 पोस्ट, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई मेन 225 पोस्ट एंड ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई वुमेन 15 पोस्ट। टोटल होता है यहाँ पे 417 पोस्ट। तो दोस्तों, सीडीएस एग्जामिनेशन एग्जाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है यहाँ पे नेशनलिटी आपको इंडियन होना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, इसके साथ साथ एलिजिबिलिटी जो है यहाँ पे आपको कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएशन डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन टीम एज स्पेसिफाइड बिलो फॉर IMA एंड ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, इंडियन नोबल एकेडमी डिग्री इन इंजीनियरिंग, एयरफोर्स एकेडमी ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। फॉर इंडियन मिलिट्री एकेडमी अनमेरिड मेल कॉन्ट्रैक्ट कैंडिडेट बॉर्न नॉट अर्लियर दैट 2nd June of 1996, not later than 1st January 2001 only are eligible. For Indian Naval Academy unmarried male candidate born not earlier than 2nd June 1996 or later than 1st January 2001. For Air Force Academy 20 to 24 years तक आपको apply होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको for officer ट्रेनिंग एकेडमी के लिए आपको अनमेरिड मेल आपको होना चाहिए, उसके बाद ही आपको अप्लाई कर सकते। फॉर ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी एसएससी वुमेन नॉन टेक्निकल कोर्स, उसके लिए भी आपको अनमेरिड वुमेन लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस जो है यहाँ पे 200 रुपीज़ आपको चार्ज देना होगा, जिसका आपको ओबीसी और जनरल वालों के लिए, एससी एसटी कैटेगरी या फीमेल कैटेगरी के लिए, फीमेल जो है आप लोग यहाँ पे आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों, मोड ऑफ पेमेंट जो है यहाँ पे आपको ऑनलाइन में जाके या एसबीआई की कोई भी ब्रांच में जाके आपको ये ड्राफ्ट जो कि आपको भरना पड़ेगा। इसके साथ साथ सिलेक्शन प्रोसेस जो है यहाँ पे आपको इंटरव्यू, आपको यहाँ पे रिटर्न एग्जाम देना होगा, उसके बाद आपको फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू देना होगा। दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपका सिलेबस क्या रहेगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको सिलेबस जो रहेगा आपको 300 मार्क्स के आपको यहाँ पे जो कि एग्ज़ाम होगा, इंग्लिश रहेगा 100 मार्क्स एंड जनरल नॉलेज रहेगा 100 मार्क्स एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो रहेगा आपको 100 मार्क्स। टोटल होता है 300 मार्क्स, आपको 300 मार्क्स के यहाँ पे जो कि एग्ज़ाम होगा। पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर, तो दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगा। 3 or 4 अल्टरनेटिव फॉर द आंसर फॉर ईच क्वेश्चन, फॉर व्हिच अ रॉन्ग आंसर हैज बीन गिवन बाय द कैंडिडेट 1/3 ऑफ मार्क्स असाइन टू दैट क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड एट पेनल्टी। एग्जामिनेशन जो कि है द मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट फॉर मेल इज 157.5 सेंटीमीटर एंड नेवी 162.5 सेंटीमीटर फॉर एयरफोर्स। तो दोस्तों, यहाँ पे फॉर
वुमेन कैंडिडेट मिनिमम हाइट जो है 152 सेंटीमीटर फॉर गोखर्स एंड इंडिविजुअल बिलोंग द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया गढ़खली एंड कुमाऊं द मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट विल बी 5 सेंटीमीटर लेस इन केस कैंडिडेट फ्रॉम द लक्षद्वीप द मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट कैन बी रिड्यूस 2 सेमी। एप्लीकेशन करने के लिए इसका लिंक जो है मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके जो कि अप्लाई कर सकते। तो ध्यान रहे कि आपको जो कि स्टार्टिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि है 31 अक्टूबर 2018 से शुरू हो गया है, लास्ट डेट है 26 नवंबर 2018 एंड लास्ट डेट पेमेंट के जो ऑप्शन है और चालान के 15 नवंबर 2018। डेट ऑफ रिटर्न एग्जाम होगा आपको 3 फरवरी 2019। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे इसके चैनल को, इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। तो दोस्तों आज के लिए ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।